मुनी बाबा की गुफा में बैठ के हमने हवन किया सबने। वॉइस ओवर हम करते थे। चुप रहे। हाँ भाई बदमाश कहाँ घूम रहा है? कहीं नहीं। आजा तू भी आजा, गुड मॉर्निंग कर दे। वाला नाम है, नाम बता दे। रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह है और ये दूसरा कार्टून है पीछे। ये बंदर है। तो भाई वेलकम बैक टू द चैनल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और हमारी तरह घूमने जा रहे होंगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं मोनी बाबा के पास। मोनी बाबा ने स्पेशल इनवाइट किया है भंडारे के। नारियल है भैया? नारियल ले लिया मैं, तुम्हारा भी ले लिया। बाबा जी ने नारियल और पुष्प मंगवाए थे, तो फूल तो हम तोड़ते नहीं हैं, इसलिए मैंने पारिजात के जो नीचे गिरे होते हैं ना वो दो चार रख लिए और ये नारियल ले लिए। और एक किलो बूंदी के लड्डू। बेसन की बर्फी भी है क्या भैया? बाकी मौसम तो हो गया बहुत बढ़िया यहाँ पे, बहुत एकदम ठंडा दिन। वहाँ ऋषिकेश थे अभी सिटी में आ रहे थे तो गर्मी लग रही थी आते वक्त ना, और यहाँ पे एकदम आए हैं तो ठंडा कूल, क्योंकि पेड़ ही पेड़ है ना, इतने खड्डे हैं ना भाई। गोपरों की आत्मा कांप गई है। लगे बेचारे की और मेरी भी। इसकी तेरी क्या हो रहा है बेचारा, सारा लोड तो गोप्रो पे है, स्कूटर पे है और तीसरा शर्मा जी मेरे पे, और तीसरा शर्मा तो जी पे है। ये बीच गोप्रो और मेरे बीच में हो, क्योंकि ये नदी भी मेरे ऊपर रहती है, ऊपर चढ़े रहेगी। ये देखो पानी के ना टूटी कोई उतार ले गया, टूटी लगाई होगी कोई, चुरा ले गया इसकी। भैया ये मेरी फ्रेंड है, हमारे ऊपर रहती है और आ गई, हिम्मत का काम कर रही। आई कहाँ गई? तेरी तरह थोड़ी है। आ गई। अच्छा हैं? नहीं नहीं वो इसको बोली ध्यान से स्लिप हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से आना रहना। आ जाओ जो पैर पैर करके आ जा कम ऑन। ऐसे करवाते हैं देखो। ये रियल एडवेंचर है। अच्छा जो झरना बह रहा है ना, ये नेचुरल झरना है जो बाबा मोनी बाबा की गुफा की तरफ ही जा रहा है। तो हम दो तीन बार आए हैं, एक बार भी झरने पर नहीं आ पाए, क्योंकि बाबा के साथ ही हम इतने मस्त हो जाते थे पता ही नहीं चलता था समय कब निकल गया। पर आज क्योंकि बाबा व्यस्त हैं, क्योंकि भंडारा है, वो काफ़ी पूजा में लगे हुए हैं, तो फिर हमने सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, समय का सदुपयोग करा जाए। थोड़ी देर गुफा में बैठने के बाद हम आ गए यहाँ पर झरने पर। ये थोड़ा सा गहरा होता है इसमें छलांग मार जाते। अभी तो पता मुंह फूट जाएगा। देखने में कम ऊंचा लगता है, बाकी है बहुत ऊंचा, मतलब अगर उतरना है नीचे आना तो बड़े ध्यान से आना चाहिए। ये जो पेड़ देख रहे हो ना भाई, बिल्कुल पत्थरों के बीच में फंस गया है, जड़ें इसकी जैसे ना पत्थर के अंदर गाड़ दियो, कई तो पत्थर के बीच में से निकल रही है बाहर की तरफ। ये परिक्रमा मार्ग है गुफा का, मोनी बाबा की गुफा का।
तो हम परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। ये कायदे से नीचे सोसाइटी में जब भी घूमो ना, सोसाइटी में नंगे पैर ही घूमना चाहिए। ये ना एक्यूप्रेशर चल रहा है। हाँ। नंगे पैर चलने की ना बिल्कुल आदत खत्म हो गई है, चलना चाहिए, पैरों का एक्यूप्रेशर हो जाता है। देखो इनकी हालत खराब हो गई है। भाई जैसी अष्टमी आज मनी है ऐसी शायद हमारी कभी नहीं मनी। आपकी भी नहीं मनी ना? मतलब मोनी बाबा के गुफा में बैठ के हमने हवन किया सबने। और अब कन्या खुद मोनी बाबा अपने हाथों से जिमा रहे हैं, अपने हाथों से खिला रहे हैं। तो भाई किस्मत ही थी हमारी जो सारा का सारा ये जुगाड़ बना कि हम अचानक आ गए, हमारे साथ ये आ गए, गुजरात वाले आ गए। तो कितने लोग मतलब हमारे वजह से सारे, और बाबा ने बुलाया हमारी वजह से क्या, तो इनकी किस्मत आना था, सबकी किस्मत में था, सबकी किस्मत में लिखा हुआ था। बाबा ने बनवाया है कढ़ी चावल, मटर पनीर, छोले, हलवा, खीर, पूरी, आलू गोभी। और हमारी श्रीमती जी भंडारे के लिए तैयार है, काम वाम इसने कोई कराया नहीं है। काम के लिए ना इतने सारे थे तो नंबर ही नहीं आया। हम आके मैं कह रहा हूँ अंदर जाके ना पूरी वगैरह बनवा ले, करीब करिए अंदर जगह ही नहीं। जेंट्स भैया एक बार जरूर ये करते हैं, जेंट्स भी लगे हुए हैं बहुत सारे, खाली बातें। जेंट्स अपना काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मैं पूरी, अगर मैं पूरी बनाऊंगा तो वीडियो कौन बनाएगा? आप अगर वीडियो बनाएंगे तो सामने कोई होना चाहिए ना जिसको आप दिखाएं, कैमरे में दिखाएं, उन लोगों में से हम उनमें बैठ गए एक्चुअली। भाई कुछ दोस्तों ने पूछा था कि गुजरात से हमारे कौन भाई आए हुए हैं बता दो। तो ये हैं, इनका नाम परेश दवे फ्रॉम अहमदाबाद। परेश दवे, कविता दवे। कविता दवे, तो भाई ये भी आपकी तरह हमारे प्यारे हैं। बाकी मोनी बाबा के पास है ना, रेगुलर हो गए हैं। ये भी भैया की वजह से? नहीं, हमारी क्या वजह से, तो मोनी शर्मा जी ने हमें गाइड किया और एक पाथ नया दिखाया जो स्पिरिचुअल साइड हमें ले जा सकता है। ये तो ये है कि जो जिन पे कृपा होती है अपने आप बुला लेते हैं, इन्होंने पुकार सुन ली, आप लोग सुनते नहीं हो। जो जरूरी है जीवन में, बहुत टेंशन लिया है तो हमें थोड़ा प्रकृति के पास भी जाना चाहिए और उसका हक भी बनता है हमसे। तो भाई किस्मत से मिलता है भोजन। सही बात है। बाबा जा रहे हैं झंडा बदलने ऊपर, और देखो ऐसे बच्चों की तरह भाग के चढ़ गए जैसे सीढ़ियां की, सीढ़ियां नहीं है पहाड़ी पे गुफा के ऊपर। फिर हेलो पंडित जी, रुको तुम तो यूं, रुको पंडित जी आ जाएंगे, चढ़ जाएंगे बाबा, चढ़ते जाएंगे। लो बाबा इतना ही सही है बस। चुप रहे हैं अभी बाबा जी ने बिल्कुल सही करा, अब आपकी फोटो लेनी जरूरी। बाबा जी ने ऑन कर दिया कोई कैमरा? कैमरा ऑन है बाबा? कोई अभी बाबा सही दिखा रहे हैं। बाबा मैं तो आपके लिए और ले लो मेरी। उल्टा पोपट हो गया। अब बाबा कैसे आएंगे, कैमरा आपके पास है? बाबा कैमरे के साथ कैसे आएंगे? बाबा जाने नहीं। ना मैं भी जुगाड़ करके आऊंगा।
अब तो आ गया संपीर में। दे दो। छोड़ दे दो। ऐसे। अब बाबा के लिए। पूछो। गए थे 11 बजे और आए हैं शाम को 6:30। तो भाई आप लोगों की और हमारी किस्मत में ये सोफ़ा लिखा है, इसके दर्शन जरूर करने पड़ेंगे। हमने कोशिश करी थी कल जाने के लिए, वहाँ पे हमारा जैक वगैरह लगा नहीं, वॉइस ओवर हम करते नहीं थे। दिखाया था गंगा जी घर आके वॉइस ओवर, देखिए भाई माता गंगा के दर्शन कर लीजिए, ये मैं करता नहीं हूँ। लाइव ही हम बातचीत करते हैं, तो हमने सोचा चलो अगले दिन आपसे बात। वहाँ ना हवा बहुत तेज चल रही थी, तो वो शायद उसकी वजह से हमारा जैक भी हवा तो खैर चलती है, पर वो जैक में कुछ इसका क्या कहते हैं कैमरे वो माइक का शायद जैक नहीं लगा। तो भाई हम 11 बजे गए थे आपको बताया, और 6:30 बजे आए बाबा के यहाँ। 7-8 घंटे हमने वहाँ पे बिताए, बहुत ही मजा आया हमने, मतलब ये लगा लास्ट में तो बाबा ने गए तो हम 2 घंटे के लिए थे आगे 2 घंटे में निफराम हो गए, भंडारा वगैरह मैडम ने कहा भंडारा पेल के खा देखो, केंगे देखो मैं मतलब मैंने खाया था। मजाक की बात है यार, हम तो दर्शन करने के लिए गए थे बाबा के, इस बार भंडारे का प्रसाद भी ले लिया, और बहुत टेस्टी प्रसाद था, ऐसा प्रसाद ये एक भाई है ना यहीं पे हमारे शायद वेद बेलवाल, उन्होंने कहा था कि जब वो जाते थे ना ऊपर की तरफ तो कड़ी चावल खाते थे ऐसे कभी नहीं खाए, कि पता नहीं नॉर्मल कड़ी होती होगी भाई, पर ये है ना कड़ी हमारे घर में बहुत अच्छी कड़ी बनती है, पर ऐसी कड़ी और वो भी पूरी के साथ, और ना सब लोग ना अलग अलग कुछ कुछ कर रहे थे, ऐसे किसी को दिया नहीं हुआ था काम, हमने सोचा पता नहीं कैसा, लेकिन जो प्रसाद बना ना क्योंकि वो प्रसाद था आपको पता है प्रसाद तो टेस्टी बहुत होता वो अलग ही मजा था, कैसा नहीं खाया बताऊं, उनकी सब्जियों की शक्ल वगैरह जैसे प्रिपरेशन का तरीका था ना वो अजीब सा लग रहा था, और जो आलू की सब्जी थी मैं समझी कि हलवा है या आलू का मतलब वो, लेकिन जब वो खाई ना खा के जो मजा आया बस आप बता नहीं सकते, बहुत टेस्टी था। तो भाई शाम को 4 बजे तक मेरी तो कुकड़ी बन गई थी, मतलब हालत खराब हो गई थी ठंड की वजह से, और बाबा बैठे थे एक गमछे में छोटे से में। तो फिर इसने बोला कि बाबा अंदर ही ले चलो, बाबा ने 3 कप चाय पिला दी कि भाई शर्मा जी ठंड कुकड़ी लग रही है तो चलो 3 कप चाय पी लो, कोई और बात दूसरा एक्सपीरियंस क्या था? और ना बाबा को देख के एडवेंचर भी ज्यादा कर लिया इन्होंने, चढ़ गए और बीच में जाके फंस गए क्योंकि नंगे पैर थे, गुफा में चप्पल पहन के चल नहीं सकते, ऊपर गुफा के टॉप में गए थे हम। तो फिर हमने बोला बाबा जी से रिक्वेस्ट करी आप लोगों के लिए कि बाबा जी अपनी गुफा के ऊपर का दिखा दो, फिर बाबा जी मान गए, कह रहे चलो कोई बात। तो देखिए बच्चों के साथ बच्चा और हमारे साथ हमारे जैसे बन जाते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट मानते हुए हमारे साथ खूब मजा किया, बस जो हमने उनके साथ पल बिताए ना वो उन्होंने मना कर दिया, तो वो हमने नहीं मतलब हम वैसे शेयर करेंगे, अगर वो बोलेंगे तो हम शेयर कर देंगे, नहीं तो फिर वो भी नहीं करेंगे। हाँ जी, तो वो जो 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 जितनी परमिशन थी ना मैंने आपको सारा दिखा दिया, और तो और जब हमने अंदर बैठ के हवन किया मैंने खुद ही रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि गुफा के दर्शन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको अंदर के, तो बाहर का पूरा सराउंडिंग दिखा दिया है। और जो बरेली से जो लोग आए थे भंडारा वो ज्यादा वो नहीं थे, और एक पर ये कि पर्यावरण प्रेमी थे, वो अपने साथ स्टील के बर्तन लेके आए थे और ग्लास वगैरह, इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं लग रहे थे मेरे को, बड़े नॉर्मली थे हमारे मतलब उस तरह के गांव के थे मतलब ना, तो पर्यावरण के प्रति देखिए आदमी क्या करता है ना, कि पत्तल वगैरह नहीं लेके आए थे, डिस्पोजेबल कुछ भी नहीं लाए, देखिए डिस्पोजेबल हम जब बड़ा मतलब कंफर्ट रहता है ना इजी रहता है कि ले या खाया पिया, वो जंगल था नहीं, फिर ले जाने में भी दिक्कत, और फिर उसको देखिए हम थोड़ी सी मेहनत लगती है स्टील के बर्तनों में खाने में, हम सब ने अपनी अपनी प्लेट धोई साफ सुथरा चमका के बिल्कुल जैसा था आश्रम वो गुफा के आसपास का एरिया वैसे का वैसा करके हम आ गए। तो वो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मैडम ने फिर दोबारा भाषण दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो चेक कर लीजिए उनका हट तो नहीं गया, गूगल बाबा फिर की लेता रहता है। नहीं यूट्यूब वाले हटा देते हैं, बोले शर्मा जी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।